बहुत ही ब्यूटीफुल रिस्पॉन्स है. लोग मुझे एक्चुअली रोमांटिक सॉन्ग्स के लिए जानते हैं और पहली बार मैंने एक ब्रेकअप सॉन्ग रिलीज किया है कॉल्ड टूटे ख्वाब. एंड इसमें बड़ा सा एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट रहा है. हम सब यू नो व्हाट्सएप यूज करते हैं. कौन व्हाट्सएप यूज नहीं करता है? हाथ ऊपर करो. नहीं ना, एवरी वन यूजेज इट. सो आज की जो एक रिलेशनशिप्स जो होती है, जो डेटिंग होती है, उसमें व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और ये सब चीजें बहुत मतलब मायने रखती है, बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने किसके साथ पिक्चर डाला, आपने क्या कैप्शन डाला, आपने मुझे टैग नहीं किया है, आपने मेरी मैसेज पढ़ी है लेकिन उसे रिप्लाई नहीं किया है, ब्लू टिक्स आ चुके लेकिन फिर भी रिप्लाई नहीं हुई है, 2 घंटे हो चुके, 2 दिन हो चुके. तो इसी चीज को मैंने लेके मैंने सोचा कि इतना मेरे अराउंड ये सब चीजें हो रही है, तो उसी कॉन्सेप्ट को लेके ये वीडियो बनाया गया था. एंड शैबी पाजी जो इस वीडियो के डायरेक्टर हैं, उन्होंने एंड में बहुत अच्छा से एक ट्विस्ट लेके आए. यूजली क्या होता है, एक ब्रेकअप गाने में आप देखते हो बंदा या तो मतलब वो रो रहा है या यू नो कुछ जख्म कर रहा है अपने आप पे, मतलब वो एक बैड ट्रिप में चला जाता है, पी के गिर गया कुछ समथिंग. हाँ, आपने ही अभी जो पछताओगे जो आया था तो उसकी एंडिंग भी बहुत ट्रैजिक थी. तो मैंने सोचा कि यू नो ब्रेकअप्स को इतना भी अपने लाइफ पे इतना उसे प्रेशर नहीं आना चाहिए उसका, एंड वी शुड मूव ऑन फ्रॉम अ ब्रेकअप इन अ गुड वे. इसलिए वो एक ब्रेकअप टूर करके एक चीज आती है, एक बस आती है एंड में, एंड इट शोज मी कि मैंने म्यूजिक को लेके उसे मेरा एक सहारा बनाया एंड मैं आगे आई हैव मूव्ड ऑन एंड नॉट लेट द ब्रेकअप गेट मी डाउन. एक्चुअली सबकी जिंदगी में ब्रेकअप होता है, हार्ट ब्रेक होता है. मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं जो वीडियो में मैंने दिखाया है. लोग पूछ रहे आपका सच्ची में ब्रेकअप हुआ है क्या, आपने वीडियो में दिखाया है. मेरा ऐसा वाला एपिसोड नहीं हुआ, लेकिन एक मतलब बचपन में आई टू यू नो रियली लाइक दिस गर्ल एंड शी नेवर लाइक मी बैक. तो वो एक छोटी सी क्या होता है ना, आप कोई भी सैड गाना जब गाने जाते तो कंपोजर बोलता है कि आपकी जिंदगी में जो भी कुछ सैड हुआ है उसे याद करके ये गाना गाना. तो ये कुछ इंसिडेंट था मेरे जहन में, दिमाग में, जो मैंने रखा था. एंड मेरा एक ट्रिक भी होता है, अगर कोई सैड गाना होता है तो आई स्विच ऑफ द लाइट्स ऑफ माई स्टूडियो और मैं डार्कनेस में गाता हूँ, तो वो एक फील ऑटोमेटिकली आई जाती है. और इस गाने में भी मैंने ऐसे ही कुछ किया. ये गाना स्पेशल क्यों है, क्योंकि मैंने हिंदी और पंजाबी दोनों मिक्स किया है और फैंस ने मुझे पंजाबी गाते हुए कभी सुना नहीं है. सो दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव डन दिस. फर्स्ट टाइम मैंने एक ब्रेकअप गाना गाया, फर्स्ट टाइम एक पंजाबी गाना भी गाया. भूषण जी इज अ वेरी स्पेशल मैन, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम, बिकॉज उनकी उनके वजह से यू नो इतनी बड़ी एक कंपनी खड़ी हुई है, टी सीरीज, इतने अमेजिंग सॉन्ग्स बाहर आते हैं. जैसे आपने अभी कहा बेख्याली पछताओगे एंड नाउ दिस सॉन्ग, आई थिंक अभी ब्रेकअप्स का सीजन है. सब बोल रहे हैं भाई इतने गाने मत बुला, मतलब ऐसे ब्रेकअप गाने मत बनाओ. हम लोग सब रो रहे, जो सिंगल लोग हैं उन लोग भी बोल रहे हैं हम लोग को भी ब्रेकअप चाहिए अभी. काफी लोग सोच रहे थे कि मैं अपने खुद के चैट्स स्क्रीनशॉट करके इंस्टाग्राम पे डाल रहा हूँ. एवरीवन थॉट दैट मेरे लाइफ में कुछ गलत हो रहा है, ये अदिति कौन है, ये अरमान के साथ ऐसा क्यों करने वाली है. एंड फिर सडनली उसके 2 दिन बाद पोस्टर रिलीज हुआ टूटे ख्वाब का, तो फिर सब लोग जान गए कि यू नो इट वाज लाइक अ प्री प्रमोशन काइंड ऑफ अ थिंग. लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग था. आप जैसे रिएक्शंस देखोगे, क्योंकि किसी ने कमेंट किया ये मेरे लाइफ में भी होता है, मैंने भी काफी मतलब चैट्स ऐसे ही किए हैं जहां पे मेरी गर्लफ्रेंड मुझे भाव नहीं देती है, वो मेरे को रिप्लाई नहीं करती है. अरमान भाई वी बोथ इन सेम बोट, मुझे भी मैसेजेस मिले हैं. सो इट्स मेरा एक ही पर्पस था इस गाने के साथ, रिलेटेबिलिटी. मैं चाहता था कि हम सब जो जिंदगी में जो यू नो रिलेशनशिप्स जिसके पास है, नहीं भी है, लेकिन उन्हें पता रहना चाहिए कि ये होता है, तो जाने से पहले वो उनको पता है कि भाई ये सब होता है, अरमान के साथ भी होता है. सर ये गाना एक्चुअली मतलब काफी पुरानी मेरी की आदत थी, पहले जब मैं जयपुर काम करता था तो घर आता था बाइक पे तो कुछ हुक्स मेरे दिमाग में चलते रहते थे. तो एक बार ऐसे ही ये गाना शिवम मेरे बर्थडे पे आया था तो मैं उसको बोला था, मैंने कहा भाई एक हुक सुनाता हूँ, कहता आज तो मार्केटिंग मत करो. मैं कहा नहीं भाई सुनो एक बार, तो उसने सुना तो उसने बोला भाई ये बहुत अच्छा, इसको बना के दो. देन फिर रंगन और मैंने बैठ के पूरा स्ट्रक्चर इसका बनाया एंड पूरी जो कंपोजिशन थी, फिर फाइनल टच अब अरमान के साथ बैठ के हम लोगों ने इसको किया एंड ये इतनी ब्यूटीफुल कंपोजिशन बन के
आपके सामने आई है. अरमान हैज डन अ फैबुलस जॉब एंड शादी बाजी हैज डायरेक्टेड इज सो अमेजिंगली. इट्स रियली हार्ट टचिंग. द वीडियो इज अमेजिंग. इट लुक्स अमेजिंग. मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है वीडियो. जुदा हम हो गए माना मगर ये जान ले जाना कभी मैं याद आऊं तो चले आना तुम्हें मैं भूल जाऊंगा ये बातें दिल में ना लाना कभी मैं याद आऊं तो चले आना अमाल मलिक के लिए बस जोरदार तालियां इस गाने के लिए स्पेशली.